भारतीय ब्राह्मण महासभा रा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी मौजूद हैं सबसे पहले सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल न्यूज़ पर बहुत, बहुत और आज इलेक्शन का समय जो है वो नजदीक आ रहा है प्रथम चरण की जो वोटिंग है वो दो दिन बाद में होने वाली है और आज सबसे कई सवाल करेंगे जो पार्टी को लेकर भी है और कई मुद्दों पर सबसे आज बात करेंगे तो सर सबसे पहला जो सवाल रहेगा वो ये शुरू करेंगे कि पार्टी का नाम आपने ब्राह्मण महासभा राही क्यों रखा असल में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के नाम से देश में तमाम दावेदार थे अब मैं ये नहीं कह सकता कि कौन असली था कौन नकली था जी। और यह संगठन पूरे देश में स्थापित करना मेरा मूल उद्देश्य था सबसे अलग हट करके मैं जिन मुहिम को लेकर के चला था अलग पहचान बनानी थी उसको वैधानिक रूप से रजिस्ट्रेशन कराना था रजिस्ट्रेशन में जाने के बाद यह हुआ कि अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के नाम से तमाम संस्थाएं चल रही हैं तमाम दावेदारी है तो थोड़ा सा परिवर्तन होगा तो रजिस्ट्रेशन रजिस्टर हो जाएगा तो वही राज शब्द बढ़ा करके संगठन रजिस्टर्ड किया गया आने वाले समय में जब विधानसभा का चुनाव आएगा तो क्या ब्राह्मण महासभा अपने मैदान में उतारेगी चुनाव के लिए कुछ कैसी तैयारी चल रही है आपकी? जिस तरह से देश और प्रदेश में ब्राह्मण हितों पर कुठाराघात उपेक्षा तिरस्कार उत्पीड़न हो रहा है नेताओं ने, के द्वारा राजनीतिक दलों के द्वारा इससे स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में भी जहां निर्णायक स्थिति है ब्राह्मण समाज की हम अपने वोट बैंक की पहचान और ताकत दिखाने के लिए वाले दिनों में तमाम ब्राह्मण संगठन मिलकर के ब्राह्मण समाज को राजनैतिक विकल्प दे सकते हैं अच्छा जो आपकी आपका ये संगठन है ये किस पार्टी को सपोर्ट कर रहा है आज के समय में उपलब्ध जैसे चुनाव आ रहा है नजदीक और चुनाव में किस पार्टी के साथ आप जाएंगे मेरा संगठन अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा जी। मेरे नेतृत्व में संयुक्त वित्त प्रमोर्चा का गठन पिछले विधानसभा के चुनाव में हुआ था उसकी भी बैठक लिया उनके साथ बैठ करके इस पर मंत्रणा हुई विचार विमर्श भी हुआ अपने संगठन के सभी राष्ट्रीय प्रदेशी जिला अध्यक्षों वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ भी लखनऊ में बैठक करके निर्णय लिया गया निर्णय सुरक्षित था लेकिन आज आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से मैं बता दूं कि किसी भी राजनैतिक दल एक को समर्थन देने की स्थिति में यह समाज और संगठन नहीं है ऐसे में ज्यादा उम्मीद ये कि आने वाले दिनों में प्रथम चक्र के चुनाव से पहले ही संभावना है कि निर्णय से पूरे प्रदेशवासियों को देशवासियों को अपने समाज के लोगों को बता दिया जाएगा प्रयास यही है कि हम ब्राह्मण हित के लिए राष्ट्र हित के लिए सनातन हित के लिए संगठन चला रहे हैं तो अब की बार का निर्णय ये बनेगा कि सारे ब्राह्मण समाज के नाम से चल रहे संगठन और उसके संगठनकर्ता और पदाधिकारीगण इस निर्णय पर हम चले कि जहां भी ब्राह्मण उम्मीदवार हो सभी लोग संगठित होकर के चाहे वो किसी भी दल का ब्राह्मण उम्मीदवार हो पूरा समाज संगठित होकर के उस उम्मीदवार को जिताने का कार्य करें दूसरा जो, जी 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 जो 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 सुरक्षित सीटें हैं जी उन सीटों पर ब्राह्मण तो मिलेगा नहीं तो सुरक्षित सीटों पर हम सनातन जी को संरक्षित करने वाली जी पार्टी और उम्मीदवार के पक्ष में मतदान की अपील अपने समाज के लोगों से करें। आपका जब हमने इंटरव्यू के लिए सबसे पहले चैनल पर अपने हम ये जानकारी देते हैं कि हमारे जो मेहमान आने वाले हैं ये मेहमान आने वाले हैं तो कुछ लोगों ने आपके बारे में बताया कि वो उनका जो संगठन है वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता है फुल सपोर्ट में है उनका जो संगठन है लोगों ने बताया कि सोशल मीडिया और कई जगह से देखा गया कि वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं यह जान करके मुझे खुशी हुई यही तो मैं चाहता हूं यही काम ने? हमारा समाज नहीं कर रहा है पिछले ने? चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपनी शर्तों के आधार पर समर्थन दिया था और ने? आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से कम से कम इतना तो आया कि राजेंद्र नाथ त्रिपाठी भाजपा के लिए कार्य करते हैं यानी मेरा ने? दिया हुआ समर्थन लोकप्रिय रहा लोगों के दिमाग में है कि भाजपा के लिए काम करते हैं ठीक है हमने समर्थन दिया तो आवाज आ रही है पॉजिटिव आ रही है यही उत्तर प्रदेश का अठारह अपनी हैसियत रखने वाला ब्राह्मण मतदाता यही करे कि जिसके साथ रहे, बदनाम हो जाए कि यह उसका आदमी है और जिसका विरोध करे तो उसमें भी बदनाम हो जाए कि ब्राह्मण अमुक का विरोध कर रहा है जिस दिन ये स्थिति आ जाएगी उस दिन ब्राह्मण हितों पर कुठाराघात बंद हो जाएगा और ब्राह्मण न्याय से वंचित नहीं होने पाएगा उपेक्षित तिरस्कृत तो और प्रताड़ित नहीं होने पाएगा समाज तो के लोगों को करना चाहिए 2024 के चुनाव में जो आपका संगठन है ये भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के साथ खुलकर समर्थन उनका करेगा 2024 में हाँ जो चुनाव आने, आने वाला है किसका पार्टी का भारतीय जनता आपको बता दिया ना मैं भाजपाई सपाई बसपाई कांग्रेसी नहीं हूं दे। आज तक किसी राजनीतिक दल का मैं मेंबर नहीं हूं मैं अपने समाज का संगठन चलाता हूं और समर्थन और विलय और सदस्यता ग्रहण करना तीनों तीन चीज है हमने समर्थन दिया था 2022 के चुनाव में फिर 2024 से 2027 आएगा आपका पहला प्रश्न रहा कि 2027 में क्या करेंगे तो मैंने बताया कि जो ब्राह्मण संगठनों का या अपर कास्ट के संगठनों की जो रुचि है जो पीड़ा है जो निर्णय की ओर लोग जा रहे हैं अगर यही हालात रही उपेक्षा तिरस्कार का तो दो में के चुनाव के लिए हम लोग राजनैतिक विकल्प ब्राह्मण समाज को देंगे और संगठित होकर के देंगे लोगों का आरोप था कि जैसे मैंने आपसे पहले बताया कि जो आपकी आपका संगठन है वो भारतीय जनता पार्टी के तरफ जा रहा है अगर कोई ब्राह्मण आपसे जुड़ता है तो वो इसलिए जुड़ता है कि हाँ हम त्रिपाठी जी का त्रिपाठी जी के साथ में रह करके कार्य करेंगे अपने समाज को देश को आगे बढ़ाएंगे और भारतीय जनता पार्टी पर लगातार आरोप लगता है कि वो कहीं ना कहीं ब्राह्मण विरोधी कार्य करती है जैसे विकास दुबे के मामले को ले ले और कई ऐसे मामले आए जिसमें आप गए खुलकर के हर पार्टी का विरोध किया तमाम तरीके से तो उनके ऊपर जो आरोप लग रहा है अगर आपके साथ कोई जुड़ता है उसके बाद आप फिर भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में आ जाते हैं तो फिर आपके साथ जुड़ने का उससे मतलब क्या निकलेगा ये बात आपका सही है कि ने? हमारे साथ जुड़ने का मतलब मतलब है किसके साथ देश का एकलौता समाजसेवी या संग, संगठनकर्ता राजेंद्रनाथ त्रिपाठी आपको मिलेंगे कि भारतीय जनता पार्टी या किसी पार्टी को सपोर्ट करने के बाद साथ रहने के बाद और जो सत्य है उस मार्ग को पकड़ते हुए ब्राह्मण हित की बात करने वाला अगर कोई देश में मिलेगा तो अकेले राजेंद्र नाथ त्रिपाठी मिलेगा कि मैं भाजपा को सपोर्ट किया भाजपा के साथ भी हूं और भाजपा के ब्राह्मण विरोधी नीतियों और कार्यों का खुली बगावत करता भी हूं इस पर मुझे गर्व है मैं किसी राजनीतिक दल को सपोर्ट करने का मतलब अपने नीतियों और सिद्धांतों और कार्यक्रमों के तहत सपोर्ट करते हैं विनय नहीं करता उनके घुटने के नीचे रहने वाला नहीं तमाम बिंदु हैं जब आप जब समर्थन की बात आती है तो टॉप टू बॉटम हम समीक्षा करते हैं कि किन भी कौन सी चीजें माइनस है कौन सी प्लस है आज देश में जो हालात है राष्ट्रीय स्तर का चुनाव है मैं दावे के साथ कहता हूं कि देश हित के लिए मोदी जरूरी है चाहे वो किसी पार्टी के नेता मोदी जी हो मोदी जरूरी है इस देश के लिए मोदी का कोई विकल्प नहीं है देश स्तर पर और मोदी जी के नेतृत्व में ही राष्ट्र सुरक्षित रहेगा और हिंदुत्व सुरक्षित रहेगा सनातन सुरक्षित रहेगा यही ब्राह्मण धर्म है कि जो राष्ट्र समाज और सनातन के लिए कार्य करे वही ब्राह्मण है हम अपनी कुर्बानी दे सकते हैं हमारे हमारे पूर्वजों ने अपने जान की बाजी लगा करके हित का काम किया सनातन हित का काम किया है हम उनके वंशज हैं हम कैसे भूल जाएंगे तो हम उनके वंशज हैं जिन्होंने राष्ट्र समाज और सनातन के लिए कार्य किया है हम निजी हित को लेकर के किस हम कुर्बानी हम भी झेल रहे हैं झेल ही रहा हूं पीड़ित ब्राह्मण को न्याय नहीं मिल रहा है उसकी वकालत करना उसको न्याय दिलाने के लिए राजनाथ त्रिपाठी और उनके संगठन के लोग सड़कों पर आंदोलन करते हैं ऐसा किसी को बताइए कि जो किसी पार्टी में रहते हुए और अपनी पार्टी का विरोध करता हो मैं भाजपा के साथ भी हूं और उसके गलत नीतियों का ब्राह्मण विरोधी कारियों का जहां ब्राह्मण प्रताड़ित हुआ है तो एकमात्र राजेंद्रनाथ त्रिपाठी खड़ा होकर के पीड़ित ब्राह्मण को न्याय दिलाने का काम करता है अभी देखिए गोला में गोरखपुर के गोला में पुलिस अभिरक्षा में एक ब्राह्मण की निर्मम हत्या कर दी गई उस आवाज को उठाने का परिणाम रहा मैंने आश्वस्त किया पीड़ित परिवार को तमाम नेतागण गए थे हमने पीड़ित परिवार को भरोसा दिया कि न्याय मैं दिलाकर के रहूंगा अगर न्याय नहीं मिला निश्चित अवध के अंदर तो मैं थाना घेर करके पीड़ित को न्याय दिलवाऊंगा परिणाम रहा गोरखपुर जिले के कप्तान महोदय ने हमारी जो शासन स्तर पर सुरक्षा दी गई थी उसे वापस ले लिया घर पहुंचते पहुंचते हमने इसको आकर के भी बोला है कि क्या यह गुना है पीड़ित ब्राह्मण परिवार को न्याय दिलाने की बात करना गुनाह है अगर है तो हजार बार राजेंद्र त्रिपाठी द्वारा गुनाह किया जाएगा कोई है इस देश बीजेपी 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 के, बीजे के अलावा और, बीजे और कोई दूसरी पार्टी आपको नहीं लगती है जो ब्राह्मणों की सुरक्षा और ब्राह्मणों के लिए काम करे या ब्राह्मणों को अपने साथ लेकर चले अगर बीजेपी की बात नहीं है किसी अन्य mm -hmm. दल की बात सभी दलों की सरकारों को देखा है कांग्रेस की, की सरकार को देखा बसपा की सरकार को देखा सपा की सरकार को देखा भाजपा की भी सरकार को देख रहा हूं कोई ब्राह्मण हितैषी नहीं है किसी की भी सरकार में नहीं रहा आप ब्राह्मण मुखौटा चेहरा अपने सरकार में ला करके देते हैं जात को बैलेंस करते हैं राजेंद्रनाथ त्रिपाठी जैसे क्रांतिकारी ब्राह्मणों को क्यों नहीं लाते आप मुखौटा देने से ब्राह्मण बेवकूफ है ब्राह्मण जानता है आप मुखौटा खड़ा करते हो आंदोलन करेंगे राजेंद्र त्रिपाठी तो जैसे देश में ब्राह्मण नेता और मुखौटा ला करके दे देते तो हो कि ब्राह्मण समाज दिग्भ्रमित हो जाकर इन्होंने ब्राह्मण कैंडिडेट दिया दीजिए आप अपनी ही पार्टी के कैंडिडेट देते हो ना पब्लिक से ला करके किसी क्रांतिकारी ब्राह्मण को ला करके सम्मान दीजिए स्थान दीजिए तो समाज जानेगा आप जिनको गुलाम बना करके कर रखे हो जिन ब्राह्मणों को उन्हीं गुलाम ब्राह्मणों को ला करके स्थापित करके बेवकूफ बनाते हैं ये लोग समाज को चाहे कोई राजनीतिक दल हो पारदर्शिता ये है कि समाज से जिसके सीने में दर्द है ब्राह्मणों के लिए उनको ला करके स्थापित करिए दीजिए किसी को तो जाने समाज समाज होशियार है बेवकूफ नहीं है सब जानते हैं लोग विकास दुबे के मामले में आ, हमें जहां तक याद है आप गए थे और विकास दुबे के मामले में आपने कहा था कि ब्राह्मणों के साथ में अन्याय हुआ और जो सजा देने वाली है वो सरकारी कौन है अगर सजा देना है तो कोर्ट देगा तमाम तरीके से फैसला है कोई पार्टी जो है वो कैसे सजा दे सकती है और आज आप पे आरोप लग रहा है कि आप उसी पार्टी का साथ दे रहे हो जो आपने दो में कहा था कि ये ब्राह्मणों की विरोधी है फिर मैं वही बात आ रहा हूं कि आप कह रहे हैं उसी पार्टी तो ब्राह्मण हित ऐसी पार्टी कौन है सरकार तो में जो रहेगा कोई सुनिए कोई सदस्य परिवार का किससे लड़ता है जिस परिवार में 20-25 लोग हो तो वो किससे लड़ेगा अपनी बात किससे कहेगा जो घर का मुखिया होगा उसी से ना तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की है हमने उनको सपोर्ट किया है कुछ अच्छा जान करके किया है तो जहां अन्याय होगा ब्राह्मण के साथ ब्राह्मण प्रताड़ित होगा उसके हितों पर कुठाराघात होगा तो राजेंद्र नाथ त्रिपाठी आवाज नहीं उठाएंगे तो उठाएगा कौन अगर नहीं उठाते हैं तो मैं समाज का गद्दार व्यक्ति कहा जाऊंगा फिर सफर नहीं कर पाऊंगा आगे तो साथ दिया तो विरोध भी, भी तो करता हूं समाज हित को लेकर के सरकार का स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर आप क्या सोचते हैं क्योंकि उन्होंने उनका जो बयान आता था उसको लेकर के लगातार हिंदू धर्म और हिंदू देवी देवताओं को वो कहते थे हिंदू कोई धर्म ही नहीं है उनके बारे में आप कुछ बताएंगे जो हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं उनके बारे में थोड़ा बताएंगे स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन का विरोध किए अपमान किए ब्राह्मण का अपमान किए विरोध किए ठीक है ना हिंदुत्व तो का विरोध किए देवी देवताओं को गाली दिए आज परिणाम देख लीजिए कि कहां खड़े हैं वह कहां चले गए मैंने पहले कहा था आपके अलावा और सम्मानित चैनलों पर मुझे प्रश्न किया गया था तो मुझसे पूछा गया यही जो आज आप पूछे हैं उनके मुंह में बवासीर की बीमारी है और वह किसी अच्छे चिकित्सक से ही ठीक होंगे और प्रकृति ने उस बवासीर का निदान भी कर दिया कि कहां थे और कहां चले गए आप देख लीजिए ब्राह्मण विरोध का परिणाम जिस भी पार्टी ने जिस भी नेता ने ब्राह्मण धरती का देवता कहा गया है वो साधारण इंसान नहीं है जिसने भी ब्राह्मण का अपमान किया प्रताड़ना किया तिरस्कार किया उसका दुष्परिणाम उस दल और नेता को भोगना पड़ा है इतिहास साक्षी वो देख ले आम आदमी देख ले कांग्रेस जब तक ब्राह्मण का सम्मान किया अखंड राज्य किया बसपा जब तक दलित दलित की बात जात की बात करती थी सत्ता नसीब नहीं हुआ जब हाथी नहीं गणेश है ब्रह्मा विष्णु महेश है जब यह नारा दिया चार बार सूबे की कमान संभाली मायावती जी ने यही हाल सपा की भी रही जब ब्राह्मणों का सम्मान किए चार बार सत्ता में आए और जब सिर्फ जात की बात यमवाई की बात किए हैं सत्ता नसीब नहीं हुए कभी नहीं होगी तो सपा बसपा कांग्रेस की हालात आपने देख लिया कि ब्राह्मण प्रेम हटा सत्ता से दूर हो गई कांग्रेस सपा और बसपा भाजपा को भी यह मेरा मनो सुझाव है कि ब्राह्मण अपमान बक्सा नहीं किसी को नहीं। अगर आज भी कहता हूं कि जानवर जैसा ब्राह्मण काटा गया है इस सरकार में भी और उसकी लड़ाई सिर्फ लड़े हैं पूरी निर्भीकता के साथ और उसका दंश भी झेले हैं अभी जो गोला कांड की बात मैं किया हूं क्या भी उस पीड़ित विधवा को न्याय दिलाना अपराध है क्यों मेरी सुरक्षा हटा ली गई मैं जानना चाहता हूं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से कि वहां का कप्तान मेरी सुरक्षा किन कारणों से हटा सिर्फ इसीलिए कि पीड़ित को भरोसा दिया कि अगर न्याय नहीं मिला तो थाना घेर करके न्याय दिलवाऊंगा इससे गलत संदेश गया है पूरे संगठन और समाज में मैं कुछ भी न करूं तब भी इस कार्यवाही से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा जब लखनऊ में रामचरित्र मानस जलाया जा रहा था भारतीय जनता पार्टी समेत पूरे दुनिया में देश में जो सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम तरीके से सामने आई अगर कोई और काम करता तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं वो बुलडोजर चलवा देते हैं तो ऐसा उन्हें नहीं लगा कि रामचरितमानस मानस जलाया जा रहा है और कट्टर हिंदुत्व चेहरा के वजह से योगी आदित्यनाथ जी को जाना जाता है वो कहीं भी जाए उन्हें एक हिंदुत्व ब्रांड नेता माना जाता है उन्होंने उस पर क्यों नहीं कार्रवाई की क्या वोट बैंक के कारण क्या लगता है आपको अगर कुछ सुझाव आप देना चाहे तो ये राजनैतिक दलों का अपना विचार है सोच है कार्यवाही है मैं आपको बताऊं कि ने? जिस तरह से सरकारों में ब्राह्मण के साथ दुर्व्यवहार किया गया अत्याचार किया गया ब्राह्मण एक सही वर्ग है बहुत बर्दाश्त करता है समाज हित के लिए कुर्बानी अपना देता है सबसे आगे आकर के दिया है और देता रहेगा उसके लिए राष्ट्र और समाज सनातन प्रिय है भले वो अपने तकलीफ झेल लेगा आज यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट बैंक है ब्राह्मण यही कारण है कि अन्य किसी पार्टियों में नहीं लेकिन भाजपा का ही कोई लीडर बलिया का कहा कि ये ससुरे जाएंगे कहां यानी गाली और अपमान सह करके भी ब्राह्मण भाजपा के लिए बदनाम है ठीक है तो ब्राह्मण भाजपा के लिए बदनाम है तो उसको जानना चाहिए ब्राह्मण या राजेंद्र नाथ त्रिपाठी या कोई ब्राह्मण संगठन ये नहीं चाहता कि आप बात पैदा करिए ब्राह्मण बादी और कट्टर नहीं होता मैं कह रहा हूं कभी किसी बात को लेकर के कोई सरकार बता दे कि अपने हित की लड़ाई को लेकर के अपनी मांग को लेकर के समाज कभी उतरा हो एक भगवान परशुराम जयंती पर साधनी अवकाश की घोषणा पिछली सरकार ने सपा ने किया था ब्राह्मणों को खुश करने के लिए या जो भी कहिए बहुत दिनों से लंबी मांग चली आ रही थी हम सभी संगठन के लोगों ने माननीय मुलायम सिंह यादव जी से कहा था उन्होंने बुला करके अपने यहां आवास पर प्रदेश के ब्राह्मणों का सम्मान किया भोजन कराया और उन्होंने कहा मैं उसमें मौजूद था कि दक्षिणा स्वरूप लंबी समय से चली आ रही मांग भगवान परशुराम के जन्मदिन पर अवकाश जयंती का अवकाश प्रसारणिक अवकाश की घोषणा करता हूं मैं मौजूद था मैं भी पांच मिनट बोला था मंच से इतना उन्होंने सम्मान किया कौन सा गुनाह कर दिए थे उन्होंने यह सरकार तो आते ही पहला काम यही किया कि भगवान परशुराम के अवतरण दिवस की सार्वजनिक अवकाश की छुट्टी को रद्द कर दिया उसे भी बर्दाश्त किया अभी देवरिया में जो नरसंहार हुआ क्या मिला पांच रुपए भी सरकारी सहायता उस परिवार ब्राह्मण परिवार को नहीं मिला अगर यह आवाज उठाए राजेंद्र नाथ त्रिपाठी तो भाजपा के विरोधी कहे जाएंगे जो सत्य बात कहे वो पार्टी विरोधी है सरकार विरोधी है तो हम कहे का संगठन चलाते हैं हम तो संगठन समाज के पीड़ित गरीब जरूरतमंद बेबस लाचार लोगों के समस्याग्रस्त लोगों के निराकरण के ही तो संगठन चलाए हैं हम टिकटाते इन राजनीतिक दलों के थोड़े ही मैं टिकट के लिए इनका तलवा चाटूंगा समाज हित के लिए मैं गुलाम हूं राष्ट्र हित के लिए गुलाम हूं और आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से डंके की चोट पर कहता हूं कि मुझे ब्राह्मण होने पर गर्व है मैं पहले कह दिया कि ब्राह्मणवादी और कट्टर नहीं होता वो राष्ट्रभक्त होता है राष्ट्रवादी होता है अव्वल दर्जे का इस धरती का समाजवादी होता है ब्राह्मण इसलिए मुझे ब्राह्मण होने पर गर्व है मेरे पूर्वजों ने वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भौत सीखना विश्व का कल्याण हो प्राणियों में सद्भावना हो सिद्धांत दिया नारा दिया उस पर चल करके राष्ट्र और समाज हित में कार्य किया इसलिए मुझे ब्राह्मण होने पर गर्व है कभी कट्टरता और बाध को पैदा करने का काम नहीं हमेशा मोहब्बत का कार्य किया है राष्ट्र को जोड़ने में सामाजिक सद्भाव को बनाने में ब्राह्मण ने इसलिए मुझे ब्राह्मण होने पर गर्व है अन्य की अपेक्षा अगर एक ऐसा है जो दलित पिछड़ा मुसलमान राष्ट्रहित के लिए सबको एक माले में पीरों के लेके चलने का काम किया ऐसी व्यवस्था दिया शुभ हो अशुभ हो डोम धरिकार चमार नाई पासी कुम्हार माली पंडित नाऊ सबको जोड़ करके पूजित कराया ऐसी व्यवस्था है हमारे सनातन में सबको पूजा दक्षिणा दिया और सबका आशीर्वाद लेकर के कर्म को पूरा करने का काम करता है इसलिए मुझे ब्राह्मण होने पर गर्व है आपने यह बताया तो हमें एक सवाल आ और याद आ गया कि रामचरित मानस में एक चौपाई है ढोल गारी सकल ताड़ना के अधिकारी उसका बनाया जा रहा है मतलब कि जो ये रामचरित्र मानस है तुलसीदास जी को लेकर के कि जो शूद्र है उसके प्रति महिला के प्रति इन सबके प्रति इस चौपाई के माध्यम से कहा गया है कि इन सबके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए उसके बारे में थोड़ा बताएंगे आप जाकी रही भावना जैसी हर मूरत देखी तीन तैसी ठीक है वही नारी पुत्री के रूप में होती है वही नारी पत्नी के रूप में होती है वही नारी बहू के रूप में होती है वही नारी माँ के रूप में होती है नारी लेकिन रूप उसके अनेक हैं तो जो जिस भावना से देखे उसके नजर का ही है ढोल गवार शुद्र पशुनारी ये सब तारण के अधिकारी अभी मैंने आपको परिभाषित किया कि गवार की भी पूजा समाज में ब्राह्मण ने कराया है नारी की भी पूजा हुई है ढोल गवार शुद्र शुद्र का शुद्र की पूजा ये व्यवस्था है कभी कोई किसी के मस्तक की पूजा नहीं करता प्रणाम करता है। वो पैर की ही पूजा करता है प्रणाम करता है ये देखिए ठीक जैसे राम शब्द है उल्टा करेंगे मरा होगा दोनों का दो अर्थ हुआ तो जब कोई उल्टी गंगा बहाने लगे अब उसका क्या उत्तर देंगे आप कोई कह दा कि राम नहीं कोई कहना कि मैं बिना बाप के पैदा हो गया कोई कहना मैं बिना मां के पैदा हो गया तो वो तर्क करने वाला उससे कौन तर्क बेवजह करे यह तर्क का विषय है धर्म आस्था का विषय होता है भगवान हमारी आस्था के विषय है देवी देवता हमारी आस्था के विषय है इस पर बिल्कुल कमेंट कोई नहीं करे करना चाहिए अगर कर रहा है तो पापी है आपसे एक चीज और पूछना चाहिए कि जैसे आपके जो संगठन का नाम है वो ब्राह्मण के नाम से ही है तो आप सिर्फ ब्राह्मण पीड़ितों के मदद के लिए जाते हैं या कोई भी जाति हो कोई भी विशेष हो तो अगर वो पीड़ित है तो उसके मदद के लिए आप जाएंगे पीड़ित मानवता की रक्षा करना ही ब्राह्मण धर्म है कहीं भी मानवता है तो ये ब्राह्मण धर्म है कि पीड़ित के साथ खड़ा हो पीड़ित की मदद करे पूरी निर्भयता से उसके साथ खड़ा हो मैं आपको बता दिया कि ब्राह्मण इस धरती का देवता है जैसे कोई प्रताड़ित हुआ कोई किसी की जान मारने के लिए दौड़ाया और जो घायल किया जाना है जो भाग रहा है कमजोर और आपके पास चला गया कहा कि दोहाई फलाने का दोहाई भैया का अगर उसने शरण में आकर के आपको परमात्मा मान लिया तो आप अपने जान की बाजी लगा करके उस पीड़ित की उस असहाय की मदद करें यही आपका धर्म है यही होना चाहिए यही ब्राह्मण करता है अब okay, पूछता है कि तुम किस जात के हो भगे आ रहे हो जात पूछेगा वो तो असहाय है ना लाचार है कमजोर है वो आपसे शरण मांगा आप उसको शरण दीजिए और पूरी निर्भीकता से उसकी रक्षा करिए यही आपका धर्म है तो ब्राह्मण महासभा कभी भी जात पूछ करके पीड़ित की जात पूछ करके मदद नहीं करता चाहे कोई आ जाए सिर्फ ब्राह्मण की बात मैं इसलिए किया कि ब्राह्मण की ने वकालत आज पैंसठ साल हो गया खुली वकालत करने वाला सड़क से लेकर सदन तक कोई पार्टी कोई नेता मैं नहीं देखा कि पीड़ित को ब्राह्मण को न्याय दिलाने के लिए आ, कोई खड़ा हो इसके लिए सरकार ही नहीं विपक्ष भी दोषी है विपक्ष भी कभी कर उतर करके पीड़ित ब्राह्मण को न्याय दिलाने की बात नहीं किया इसलिए सिर्फ सरकार दोषी नहीं है विपक्ष भी विपक्ष का तो धर्म बनता है कि अगर सरकार ध्यान नहीं दे रही है राजेन्द्र नाथ त्रिपाठी आवाज उठा रहे हैं तो विपक्ष का धर्म है कि अगर वास्तव में वो न्याय से वंचित किया जा रहा है तो हमारी आवाज सुन करके सदन में चाहे सड़क पर एक आवाज तो बोले ऐसा कोई नेता विपक्ष में भी नहीं मिला इसलिए सभी लोग दोषी हैं आपसे अंतिम सवाल करना चाहेंगे कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कई जो कथावाचक हैं चाहे देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज हो या धीरेन्द्र शास्त्री जी हो धीरेन्द्र शास्त्री का जब ग्रेटर नोएडा में कथा था आप भी शायद वहां आए थे उनसे मिले थे और जो संगठन का नाम है वो उन इन सब चीजों को लेकर आपको क्या लग रहा है कि जो इन लोगों ने आवाहन किया है सनातन धर्म को लेकर के हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर के ये सही है या सही नहीं है क्या बनना चाहिए भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए या नहीं बिल्कुल बनना चाहिए बिल्कुल आज आपको बता दें कि यह भारत देश बहुधर्मीय बहुभाषी बहुजाती देश है अनेकता में एकता की मिसाल है भारत यह जान लें इसलिए हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए और पूरे भारतवासी को चाहे वो जिस जाति धर्म संप्रदाय वर्ग के हो अगर वो भारतवासी है राष्ट्रवादी है तो इसका स्वागत करना चाहिए उसे और यह कार्य संभव होगा सिर्फ मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा देश भाजपा को नहीं किसी भाजपा के नेता को नहीं वह सिर्फ मोदी जी को देख रहा है उनके प्रति आस्था रख करके भारी बहुमत की सरकार बनाने जा रहा है पूरा भारतवासी सभी जाति धर्म संप्रदाय वर्ग के लोग कारण कि सबको यह विश्वास है कि मोदी जी के ही नेतृत्व में राष्ट्र जो है मजबूत होगा विकसित होगा सारी पार्टियों ने मिलकर इंडिया गठबंधन बनाया बीजेपी ने अपना जो एनडीए गठबंधन है इसमें छोटी छोटी पार्टियों को लेकर इकट्ठा हुए हैं और इंडिया गठबंधन दावा कर रहा है कि इस बार हम बीजेपी को हराएंगे क्योंकि सारी जो पार्टियां वो इकट्ठा हो गई हैं क्या लग रहा है आने वाले समय में जून महीने में जब रिजल्ट आने वाला है चुनाव का तो उसमें क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना पाएगी या इंडिया गठबंधन वाले सफल हो जाएंगे अपनी सरकार बनाने में निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाने जा रही है भारत में और एक चीज आपको बता दें जब अखाड़े में दो पहलवान लड़ने के लिए जाते हैं तो दोनों ताल ठोकते हैं कि मैं इनको परास्त कर दूंगा पटक दूंगा या सोच करके मन में जाते हैं ना अगर यह सोच रहे कि मैं परास्त हो जाऊंगा तो कुश्ती लड़ने जाएगा वो अगर इंडिया गठबंधन सोच रहा है मैं भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह से हरा दूंगा तो भाजपा भी कह रहे हैं कि आपकी बात 400 से ऊपर पार देखिए क्या होता है जनता क्या देती है परिणाम पड़ा, परिणाम तो जनता को देना है आप जनता के बीच रहते हैं लगातार हमने पिछले कुछ महीनों से देखा है आपका लगातार एक के बाद एक कार्यक्रम होता है वहां हजारों के संख्या में कई हजार लाखों के संख्या में आपके जो चाहने वाले लोग हैं आपके पार्टी से जुड़े लोग हैं वो इकट्ठे होते हैं तो आपको ये सारी चीजें तो लगभग लगभग कंफर्म हो गई होंगी कि हाँ आने वाले समय में होने वाला क्या है क्योंकि आपसे आज तक कई लाख लोग मिले होंगे और अपनी अपनी जो राय है जब आप कहीं पर मीटिंग करते हैं तो वो अपनी अपनी राय बताते होंगे तो उस अनुसार क्या लग रहा है देखिए मैंने संगठन का निर्माण ये समाज सेवा जान करके किया है नहीं मैं भी किसी राजनीतिक दल का सदस्यता ग्रहण करके गुलामी करता समाज सेवा मैं इसको अपना चुना और उसके तहत पीड़ित मानवता की रक्षा को अपना वसूल बना करके चला आज ब्राह्मण महासभा नाम है संगठन का लेकिन जितना दलित जितना पिछड़ा जितना मुस्लिम अन्य वर्ग के लोग मेरा सम्मान करते हैं मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं संगठन के द्वारा जो भी मैं कार्य कर रहा हूं वो आपसी सद्भाव उससे बन रहा है बिगड़ एकमात्र संगठन मिलेगा कि कभी आप देख लीजिएगा सोशल मीडिया से लेकर पब्लिक में आज तक किसी गैर समाज का गैर धर्म का व्यक्ति मेरे कार्यक्रम में कभी विरोध नहीं किया सहयोग किया होगा तो यह जान करके मुझे खुशी होती है कि मैं सही दिशा में और मेरा संगठन सही दिशा में कार्य कर रहा है कभी कोई विरोध नहीं बहुत, आपने हमें समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आभार और हम आपसे चाहेंगे कि आपको जब भी समय मिले तो आप चैनल पर आइए अपनी बात रखिए चुनाव आने वाला है उस मुद्दे पर भी हम आपसे बात करेंगे आपका फिर जल्द ही कोशिश करेंगे कि आपको जब समय मिले तो आप अब तक न्यूज को थोड़ा सा समय दीजिए और आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका बहुत बहुत धन्यवाद हृदय से आभार